हेलो दोस्तों, द क्लासमेट गुरु में आपका स्वागत है। मैं एसपी त्रिपाठी आज क्लासमेट गुरु की तरफ से आज एक बेहद ही खुशखबरी की न्यूज लेकर आया हूं। जैसा कि यूपी गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यूपीएसआई के लिए 921 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। जैसा कि मैं बता दूं, अभी ये कह सकते हैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है, एक पद बढ़कर लगभग 3000 के करीब जाएंगे। आइए देख लेते हैं कितने विभाग में कितने कितने पद दिया गया है और क्या योग्यताएं हैं और क्या अर्हताएं हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, मैं देख सकता हूं कि 3 विभाग के लिए भर्ती जारी की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश गोपनीय विभाग है और उप निरीक्षक में जैसे लिपिक विभाग है और लेखा विभाग है। आइए देख लेते हैं किस विभाग में कितने कितने पद हैं। जैसे गोपनीय विभाग में मैंने बताया आपको 268 पद हैं और लिपिक विभाग में आपके 449 पद हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हैं। लिपिक विभाग में जो कुल पदों में, जैसे लिपिक विभाग में जो पद हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। आइए देखते हैं लेखा विभाग में जो ऑडिटिंग में आता है वो 204 पद है, जो सबसे कम है, और कुल मिला के 921 पद है आपके। आइए देख लेते हैं किस श्रेणी में कितने कितने पद दिया हैं। जैसा हम कह सकते हैं अनारक्षित विभाग या जैसे यूपी गवर्नमेंट के यूपी से जो बाहर के लोग हैं, अन्य स्टेट के हैं, वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो उनके लिए कुल 114 पद हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है। और EWS के लिए 25 पद दिया गया है तथा OBC के लिए 71 पद है और SC के लिए 54 पद है तथा ST के लिए कुल 4 पद है, जो कि हमने बताया था कि गोपनीय विभाग में 268 पद है। 268 पदों में ये इतने जनरल के लिए 114 हैं और EWS के लिए 25 है और OBC के लिए 71 है और SC के लिए 54 तथा ST के लिए 4 पद है। आइए देख लेते हैं लिपिक विभाग में किस श्रेणी में कितने कितने पद हैं। इसमें अनारक्षित पद के लिए की संख्या 186 है, जो कि सबसे ज़्यादा है। कुल पद 449 है, इसमें EWS के लिए 43 पद है तथा अन्य OBC के लिए 120 पद है तथा SC के लिए 93 पद है तथा ST के लिए 7 पद हैं। इसी क्रम में देख लेते हैं लेखा जो ऑडिटिंग विभाग है, उसमें कुल पदों की संख्या 204 है, जो कि कुल 3 विभाग में सबसे कम पद है। और इसमें अनारक्षित पद में 88 पद है, EWS में 19 पद है तथा अन्य पिछड़ा वर्ग में 53 पद है तथा ST में 42 पद है। आइए आगे इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि आवेदन करने की समय क्या है। आवेदन की तारीख है वो 7/1/2024, मतलब 7 जनवरी से फॉर्म भरना चालू हो जाएगा, जो कि 28 तारीख तक भरा जाएगा। कुल हमको 21 दिन का समय मिलेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। और अगर आयोग ने इसके अतिरिक्त भी 2 दिन दिया, अगर हम फॉर्म भरने में किसी तरह की गलतियां कर देते हैं तो आयोग उसमें सुधार के लिए 2 दिन तक समय दे रखा है। तो 28 तारीख तक हम फॉर्म भर सकते हैं तो फिर सबमिट कर सकते हैं, उसके बाद 2 दिन का उसमें सुधार, अगर किसी तरह की गलतियाँ कर दिया हम लोगों ने, उसमें सुधार के लिए हम लोग को 2 दिन का समय मिल रहा है। आइए देख लेते हैं फॉर्म इसके लिए अर्हताएँ क्या हैं। ये पता है कोई भी जो हम फॉर्म सबमिट करने छात्र सबमिट करेगा उसको भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। नागरिक होने के अलावा भी कुछ प्रावधान दिया गया है, आइए उसको भी देख लेते हैं। वो तिब्बत शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवासी के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 से पूर्व भारत में आया हो। भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसे भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीका देशों, केन्या, युगांडा, या आप लोग अपने हमारे लिंक में दिया गया है, पूरी तरह नोटिफिकेशन डाला गया है, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। फॉर्म फिलअप करने से नोटिफिकेशन और क्या क्या मतलब आपको डॉक्यूमेंट लगेगा, अच्छी तरह से उसको देख लीजिएगा। आइए देख लेते हैं गोपनीय पद जो है, मतलब जो 3 विभाग में भर्ती निकली, गोपनीय, क्लर्क और ऑडिटिंग के लिए, गोपनीय विभाग के लिए क्या हमारे शैक्षणिक अर्हताएँ हैं। मैं बता दूं, तीनों पदों के लिए स्नातक होना मस्ट है।
आवश्यक है। उसके अलावा भी कुछ प्रावधान दिया गया है, भारत का विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि प्राप्त करना आवश्यक है तथा हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग आनी चाहिए तथा इंग्लिश में हिंदी में टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट के अलावा इंग्लिश में आपको 30 वर्ड पर मिनट के अलावा टाइपिंग आनी चाहिए। और इसके अलावा किसी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान या नाइलिट सोसाइटी या जिसको पूर्व में हम डोएक सोसाइटी कहते डोएक कहते थे उसके ओ लेवल सर्टिफिकेट होना आपको अनिवार्य है। लिपिक पद के लिए आज देखते हैं क्या शैक्षणिक योग्यता है। लिपिक पद के लिए आपको किसी विश्वविद्यालय से स्नातक होना आपको आवश्यक है। उसके अलावा आपको इसमें भी हिंदी टाइपिंग आपको आनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट और इसके अलावा इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए आपको 30 मिनट पर वर्ड। और इसके अलावा भारत के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक या तो नाइलिट या डोएक सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण करना अथवा सरकार द्वारा किसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त रहता हो उसको आपको अनिवार्य है। आइए देख लेते हैं लेखा के लिए इससे थोड़ा सा कुछ अलग दिया गया है। इसमें किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि या लेखा शास्त्र में पीजी डिप्लोमा या तो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता होनी चाहिए और इसमें भी कम से कम 15 वर्ड पर मिनट की जैसे हिंदी आपको टाइपिंग आनी चाहिए। और इसमें भी सेम ही है, वो भी नाइलिट सोसाइटी जिसको डोएक कहते थे कंप्यूटर में ओ लेवल इसमें भी अनिवार्य है। आइए देख लेते हैं अगर अधिमान अर्हताएं वो होती हैं, अगर मान ली दो छात्र एक परीक्षा में पार्टिसिपेट हो रहे हैं दोनों का अगर अंक समान प्राप्त हो जा रहे हैं उस संदर्भ में आयोग क्या करेगा। उस संदर्भ में आयोग कुछ विशेष डॉक्यूमेंट जो उस छात्र के पास होगा उसको ज्यादा प्रेफरेंस देगा। यदि उसके पास डोएक या नाइलिट का अगर उच्च प्रमाणीकरण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रौद्योगिकी उस पर है तो उसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी संस्था या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक हो तो उस छात्र को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो उस छात्र को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। राष्ट्रीय या तो किसी छात्र पास एनसीसी का बी प्रमाण पत्र हो तो उस छात्र को प्रेफरेंस दिया जाएगा। आइए देखते हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए आयु की सीमा क्या है। जैसा कि आयु की सीमा आपको बताया गया है कि मिनिमम आयु की सीमा 21 है तथा मैक्सिमम 28 साल है। 21 वर्ष की सीमा अभ्यर्थी के दिनांक 1/7/23 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा 28 वर्ष से अधिक न हुआ हो अर्थात अभ्यर्थी 1/7/1995 से पूर्व न जन्मा हो तथा 1/7/2002 के बाद न जन्मा हो। भर्ती प्रक्रिया जैसे मैं बता दूं आपको उत्तर प्रदेश पुलिस लिपि लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग के सेवा नियमावली के 2015 के तहत किया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक ऑनलाइन परीक्षा होगा जिसमें 400 अंक होते हैं, 50-50 अंकों के 4 सेक्शन में क्वेश्चन होते हैं सामान्य हिंदी से जो कि 50 क्वेश्चन आपको होते हैं जिसमें जिसके लिए 100 अंक निर्धारित किया गया है और सामान्य जानकारी और सामयिक विषय के लिए 50 क्वेश्चन होते हैं जिसके लिए आपको 100 अंक निर्धारित किया गया है और मैथ के 50 क्वेश्चन आपको आते हैं जिसके लिए आपको 100 अंक का निर्धारित किया गया है तथा रीजनिंग से 50 क्वेश्चन आते हैं जिसके लिए आपको 100 अंक निर्धारित किया गया है। ये परीक्षा 400 अंक की होती है जिसके लिए आपको समय 2.5 घंटे का समय मिलता है और सीबीटी बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो कि ऑनलाइन आपको परीक्षा देनी पड़ती है। इसमें आपको मिनिमम 35% अंक प्राप्त करने होते हैं। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है अगर 35% मिनिमम प्राप्त करने हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको 40% प्राप्त करने हैं। अगर इससे कम आप प्राप्त करते हैं तो आप इस भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। शारीरिक मानक परीक्षा देख लेते हैं कि मतलब क्या आपकी फिजिकली क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। सामान्य एवं ओबीसी तथा अनुसूचित जनरल ओबीसी और एससी के लिए एक जो आपकी हाइट होनी चाहिए 153 सेंटीमीटर आयोग ने मांगा है।
163 सेंटीमीटर आयोग ने मांगा है, जबकि एसटी के लिए, एसटी के पुरुष वर्ग के लिए यह ऊंचाई 156 ही है। आपको आपकी चेस्ट की रिक्वायरमेंट को देख लेते हैं। सामान्य या ओबीसी तथा एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीमा सीने का मापन 77 सेंटीमीटर होना चाहिए तथा फुलाकर उसको 82 सेंटीमीटर होना चाहिए तथा एसटी जात के अभ्यर्थियों के लिए मिनिमम 75 सेंटीमीटर होना चाहिए तथा फुला के 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पर एक टिप्पणी की गई है कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फूलना अनिवार्य है, अर्थात अगर आपका चेस्ट 80 सेंटीमीटर है उसके बाद भी आपको 5 इंच सीना आपको फुलाना पड़ेगा। जैसे ऐसे ना होता ना, नॉर्मल आपको 80 सेंटीमीटर है ऐसे फुला के आपको 5 सेंटीमीटर करना अनिवार्य है भले ही आपका 80 सेंटीमीटर हो। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मान्यता न्यूनमत है ऊंचाई। महिलाओं के लिए सामान्य एवं अन्य पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति की महिलाओं के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो कि 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा वही उसी महिला में ही एसटी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पर सभी महिलाओं के लिए न्यूनतम वेट न्यूनतम चाहे वो एससी हो चाहे एसटी हो चाहे ओबीसी हो चाहे जनरल में हो, महिलाओं का मिनिमम वेट जो 40 किलोमीटर से 40 केजी से कम नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं लंबवत आरक्षण का क्या प्रावधान है, इसमें क्या क्या है। इसमें देखिए लंबवत आरक्षण में एससी वर्ग के लिए 21% का आरक्षण है और इसमें अधिकतम आय सीमा में 5 वर्ष का छूट रियायत दी गई है जो कि उनके लिए जाति प्रमाण पत्र लगेगा जो कि एक जिला अधिकारी या अतिरिक्त कोई मतलब ऑफिसर के द्वारा प्रमाणित किया जाना होगा। एसटी वर्ग के लिए 2% का आरक्षण है और आय में रियायत जो दी गई है वो भी सेम है जो एससी का है, जो एसटी का है 5 वर्ष की रियायत इनको भी दी गई है। उनको भी जाति प्रमाण पत्र अपना लगाना पड़ेगा जो कि अधिकारी से प्रमाणित होना चाहिए। ओबीसी के लिए ये जो आरक्षण है 27% है, इनके लिए भी 5 वर्ष का रियायत दिया छूट दी गई है इनके लिए भी, लेकिन जाति प्रमाण पत्र इसमें दो लगाना है जो कि एक ऑफिसर जो कि जिलाधिकारी अतिरिक्त जिलाधिकारी या तो सिटी मजिस्ट्रेट जो अधिकारी से प्रमाणित होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस जैसा कि आपको पता है कि 103वें संविधान संशोधन के द्वारा 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को दिया गया है, उनके लिए कोई आई में कोई मतलब रियायत नहीं दी गई है तथा उनके लिए 10% आरक्षण है और उनके लिए भी ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। ऐसे व्यक्ति जो कि या तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आरक्षित हो उनके लिए 2% का आरक्षण है तथा उनके सीमा में उनके लिए आय की सीमा में कोई रियायत नहीं दी गई है तथा भूतपूर्व अगर कोई सैनिक है उनके लिए भी 5% का आरक्षण है तथा उनके लिए आय की सीमा में 3% की रियायत दिया गया है। महिलाओं के लिए 20% का आरक्षण है तथा उनकी आय की सीमा में किसी तरह का रियायत नहीं दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि आम ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है, फॉर्म को ऑनलाइन भरा जाएगा, आप जाके यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म को भरिएगा। फॉर्म भरते समय आप एक बार नोटिफिकेशन देख लीजिएगा और अच्छी तरह से ऑथेंटिक वेबसाइट पर जाके ही अपना फॉर्म आप सबमिट करिएगा और अगर किसी तरह की समस्या है तो आयोग ने आपको नंबर दे रखा है जो कि फॉर्म भरने के जो आपका लास्ट है जो जहां आप सुधार करना है 31/1/2024 तक ही ये नंबर एक्टिव रहेगा। ऑनलाइन सुक्त भुगतान आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई आदि के थ्रू कर सकते हैं और बाकी आप तो आपके शैक्षणिक अच्छे से संबंधित तथा अन्य प्रमाण पत्रों को डिजी लॉकर के माध्यम से भी अपलोड कर सकते हैं। फोटोग्राफी, यहाँ पर ये बात ध्यान करने योग्य है कि जो आपका जो फोटो आवेदन में उल्लिखित आकार जो होगा वो मिनिमम 20 KB से लेकर 50 KB तक हो
न्यूनतम और जो हस्ताक्षरों का 5 KB से लेके 20 KB तक मतलब होना ही चाहिए। फोटो की यहाँ पे साइज दे रखी है, आप लोग फॉर्म भरते समय अच्छा से नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। और यहाँ अभ्यर्थी जो अपना फोटो अपलोड करेंगे उस पर कुछ विशेष थोड़ा सा मतलब सावधानी बरतने की जरूरत है। चेहरे की छवि इस पर दिखनी चाहिए, चेहरे पर अत्यधिक चमक या छाया नहीं दे छाया ना हो। नामांकन की फोटो 6 महीने के पूर्व हो, ऐसा कोई मतलब बहुत पुराना फोटो ना हो, आपको विद इन 6 माह के भीतर कोई फोटो हो उसको अपलोड कर दीजिए आप। मतलब जल्दी का फोटो होना चाहिए। सफेद या हल्के ग्रे रंग की बैकग्राउंड होना चाहिए, ऐसा ना हो आप कोई कहीं टूर पे गए हो, कहीं कुल्लू मनाली कहीं गए हो, फोटो खिंचवा रखी हो, बैकग्राउंड में बड़े बड़े पहाड़ हो, नदियाँ झरने हो और वैसे फोटो को अपलोड कर दे, नहीं। आपके मतलब सफेद या हल्के ग्रे रंग की पृष्ठभूमि होनी चाहिए बैकग्राउंड। ठुड्डी, यहाँ आपका पूरा इस पर चेहरा इस पर दिखना चाहिए, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक चेहरा आपका पूरा स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। मुंह बंद एवं आंखें खुली होनी चाहिए, बुरा मुंह ऐसा ना हो, स्माइल करते हुए आप स्माइल करके सेल्फी जैसे लेते हैं दोस्तों, ऐसे फोटो मत अपलोड करें। चेहरे के दोनों किनारे पूरा अच्छा से आपको दिखना चाहिए। कैमरे पर अगर फोटो आपको खींचना जैसे सीधे एकदम सिंपल जेंटलमैन बन के सीधे अपना फोटो खिंचाइएगा। अगर आप चश्मा फोटो खींचने के दौरान चश्मा पहने हैं तो चश्मा का जो लेंस होता है वो कलरफुल ना हो, वो पूरा आपकी आंखें पूरी ट्रांसपेरेंट दिखनी चाहिए। अगर आप किसी फोटो में आप किसी तरह का मफलर टोपी, आज मैं जैसे मैं टोपी लगा रखा हूँ, ऐसी किसी तरह का कुछ नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि मतलब 50-50 क्वेश्चन का होता है, 100 अंक का आपका 4 सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामान्य हिंदी कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य जानकारी सामयिक विषय, संख्यात्मक मानसिक योग्यता परीक्षा मानसिक। जैसा कि मैं बता दूं सर दोस्तों, द क्लासमेट गुरु की तरफ से जल्द ही UPSI के लिए विदिन मतलब 1 वीक में हम लोग कोर्स लॉन्च करने वाले, जो फ्री में यूपी पर फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप लोग हमारा चैनल ज्वाइन करिए और दिल्ली के एक विशेष टीम के द्वारा आप लोगों का अच्छी तरह से तैयारी की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी हमारे दोस्त हैं हैं, अपने दोस्तों को सूचना दे सकते हैं, लिंक हमारा है, भेज देना, आप ज्वाइन करके तैयारी करिए। जैसा कि आपको मतलब जो भी है, हम लोग का बेसिक तो यही देखना है ना किस सेक्शन में क्या क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या 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 पढ़ने हैं, कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ने हैं। मेरे UPSI की तैयारी करने वाले दोस्तों, अब आप लोग पूरी तरह से जाग जाइए, तैयार हो जाइए और अपना कमर कस लीजिए, अपने रजाई से निकलिए। ठंड भले ही दोस्तों, लेकिन अपने कमरे में मेहनत करिए। अब जैसे कि यूपी गवर्नमेंट की तरफ से आपको गिफ्ट दिया जा रहा है, अभी जल्दी ही यूपी कांस्टेबल में आपको 3 साल की रियायत दिया गया है तथा UPSI के लिए जो भर्ती आई है, आपको यूपी गवर्नमेंट की तरफ से देखा जाए तो गिफ्ट दिया जा रहा है। तो आप लोग तैयार हो जाइए और अब नए साल की तैयारी छोड़ के अब UPSI की तैयारी में लग जाइए। इसी संदर्भ में मैं अपने एक कोटेशन के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। अभी तो ये चिंगारी है, आग लगाना बाकी है, देखी है जो खुली आंखों से सपने उसे पूरा करना बाकी है। लाख आएंगी मुश्किलें पर मेरा इम्तहान अभी बाकी है, खुदा को हो मुझ पे ऐसा फक्र, ऐसे कारनामे बाकी हैं, अभी तो नाफी है थोड़ी सी जमी और पूरा आसमां फतह करना बाकी है। ठीक है मेरे दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, धन्यवाद।